हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंजीनियर्स 247 में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक बार डेली करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हमने बजट के ऊपर क्वेश्चंस किए थे, कुछ एमसीक्यूज, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। चलिए आज अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पीयूष गोयल हैज़ प्रेजेंटेड 2019-20 इंटीम बजट। तो ही इज़ राज्यसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट। पीयूष गोयल ने 2019-20 अंतरिम बजट पेश किया है, ठीक है। तो वह किस राज्य से राज्यसभा सांसद है? तो किस राज्य से दोस्तों? पीयूष गोयल जी जो है महाराष्ट्र राज्य से राज्यसभा सांसद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी टोटल आउटले ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना, ठीक है, एज पर इन टीम बजट 2019-20। कहने का मतलब है अंतरिम बजट 2019-20 के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कुल परिव्यय कितना है, ठीक है, मतलब टोटल आउटले कितना दिया गया है इस योजना के तहत। तो दोस्तों, कितना दिया गया है? तो कितना दिया गया दोस्तों? 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ इसको टोटल दिया गया है इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता कितनी है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट वित्तीय सहायता कितनी है? तो आपको 6,000 दी गई है, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट में दी गई है, ठीक है, 6,000 को इंस्टॉलमेंट भी दी गई है, बिल्कुल, पहले में 2,000, अगले में भी 2,000 और उससे अगले में भी 2,000। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम इज अवेलेबल फॉर दोज फार्मर फैमिलीज हैविंग कल्टीवेबल लैंड अप टू डैश हेक्टेयर्स, ठीक है। पूछा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उन किसान परिवारों के लिए उपलब्ध है जिनके पास मतलब कितने हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है। तो कितने हेक्टेयर? जिनके पास बताना चाहूँगा दो हेक्टेयर तक की खेती भूमि है उनको ये स्कीम अवेलेबल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द फाइनेंशियल आउटले फॉर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एज पर रिवाइज्ड एस्टिमेट। कहने का मतलब है संशोधित अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए वित्तीय परिव्यय क्या है, ठीक है, कितना फाइनेंशियल आउटलेट दिया गया। तो कितना दिया गया दोस्तों? 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ इसके तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम वुड बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना किससे प्रभावी होगी, ठीक है, मतलब किस डेट से स्टार्ट होने आई। तो ये आपको होना है 1 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। एज पर इंटीम बजट 2019-20 व्हाट इज़ द फाइनेंशियल आउटले फॉर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अंतरिम बजट द्वारा 19-20 के तहत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए वित्तीय परिव्यय क्या है, ठीक है, मतलब ये जो फाइनेंशियल आउटले आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए फाइनेंशियल आउटले कितना दिया गया है 19-20 बजट में, कितना दिया गया दोस्तों? 500 करोड़ इसके तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मंथली पेंशन अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत मासिक पेंशन की राशि कितनी है, ठीक है, जो पेंशन दिया जाता है वो राशि कितनी तय की गई है। तो कितनी तय की है दोस्तों? 3,000 राशि तय की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इज फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हुज मंथली इनकम अप टू रुपीज, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों के लिए है जिनकी मासिक आय कितने रुपए था दोस्तों?
जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है, ठीक है, उनके लिए ये उपलब्ध कराई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, टैक्स पेयर कैन क्लेम रिबेट इफ इट्स एनुअल टैक्सेबल इनकम अप टू ₹5 लाख। यदि किसी करदाता का वार्षिक कर योग्य आय अगर 5 लाख रुपए तक है तो वह आयकर अधिनियम के किस धारा के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। तो ठीक है, मतलब जिनकी इनकम जो है 5 लाख तक है तो वो मतलब टैक्स जो है ना, जो टैक्स पे करेंगे वो, तो उनको छूट कितनी मिल सकती है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होना चाहिए 87A के तहत, 87A सेक्शन के तहत वो लोग क्या बोलते हैं क्लेम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब हम चलते हैं दोस्तों अपने न्यूज़ पर। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मीट ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट हैज़ बिन स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पर हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ की बैठक कहाँ हुई दोस्तों, नई दिल्ली में हुई है। आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि इंडियन ओशन रिस्क एसोसिएशन जो जिस जो इसका मीटिंग हुआ है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, वो कहाँ स्टार्ट किया गया, नई दिल्ली में। आगे हम जानेंगे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। इसका जो देख सकते हैं आप लोग, इस्टेब्लिशमेंट स्थापना हुई 7 मार्च 1997 को, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका एबेने मॉरिशियस में, और मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं टोटल इसके 22 है। सेक्रेटरी जनरल आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर नोमवियो एन नोकवे, ठीक है, डॉक्टर नोमवियो एन नोकवे ये इसके सेक्रेटरी जनरल है, आप देख सकते हैं आप लोग। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है आपके सामने, बांग्लादेश वॉज इलेक्टेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है, फॉर द पीरियड 2019 एंड 2021। तो बांग्लादेश को जो है ना इलेक्ट किया गया है वाइस चेयरमैन, किसका, IORA मतलब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन इलेक्ट किया गया है, ठीक है, 2019 से 2021 सेशन के बीच बीच के लिए। अगला हम देखते हैं आईओआर चेन और चेयर और आईओआर चेयरमैन इलेक्ट किया गया है 2021-23 के लिए, ठीक है, वाइस चेयरमैन 2019-21 के लिए और चेयरमैन 2021-23 के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, एट 18th आईओआर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन डरबन साउथ अफ्रीका, ठीक है, जो इसकी 18वां जो मीटिंग हुआ इनका कहाँ पर हुआ है दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। अगला देखते हैं, करंट चेयर इज साउथ अफ्रीका एंड वाइस चेयर इज यूएन। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसका करंट चेयर है देख सकते हैं आप लोग, करंट चेयर जो है साउथ अफ्रीका है और वाइस चेयर इसका कौन है, UAE, ठीक है, दुबई। और आगे देखते हैं हम लोग, बांग्लादेश विल एज्यूम वाइस चेयरमैनशिप, ठीक है, बांग्लादेश को वाइस चेयरमैनशिप माना गया है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स ऑफ वाइस चेयरमैन, 2 साल कंप्लीट होने पर बांग्लादेश विल बिकम द चेयरमैन ऑफ IORA फॉर द फर्स्ट टाइम इन अक्टूबर 2021, ठीक है, 2 अक्टूबर 2021 में तक पहली बार जो है ना बांग्लादेश चेयरमैन बनेगा IORA का। आगे चलते दोस्तों हम लोग, अगला न्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री डाटा, FDI फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टू इंडिया डिक्लाइन 11% टू $22.66 बिलियन ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर पीरियड ऑफ करेंट फिशियल। कहने का मतलब है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल सितंबर अवधि में भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI 11% घटकर कितनी हो गई दोस्तों, $22.66 रहा। तो हम थोड़े इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरन फंड इनफ्लोज ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर 2017-18 स्टूड एट 25.35 बिलियन, ठीक है, मतलब जो 2017-18 का जो अप्रैल सितंबर का जो फॉरेन फंड इन्फ्लोज है ना, वो इतना 25.35 बिलियन रहा। और देखते हैं हम लोग, सिंगापुर जो है ना लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI है, किस महीने में, अप्रैल सितंबर 2018 में कितना बिलियन डॉलर, $8.62 बिलियन, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद मॉरिशियस है $3.88 बिलियन। ये थी आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगला हम लोग देखते हैं, अगला न्यूज़ है आपके सामने, PV भारती
हैज टेकन चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कॉरपोरेशन बैंक। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, जो भी बैंक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कॉरपोरेशन बैंक का जो कॉरपोरेशन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है, किसने किया दोस्तों? तो इसका आंसर बिल्कुल पीवी भारती होगा। अब कॉरपोरेशन बैंक की बात कर लेते हैं दोस्तों, कब इसकी स्थापना हुई? 12 मार्च 1906 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मैंगलोर में। और इसकी टैगलाइन क्या है दोस्तों? ये टैगलाइन पूछा जाता है बैंक के एग्जाम में, अ प्रीमियर पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके फ्रेंड्स, अगली न्यूज हम देखते हैं। फाइनो पेमेंट्स बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ स्वीप अकाउंट फैसिलिटी इन एसोसिएशन विद सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो फिनो पेमेंट्स बैंक ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर एक स्वीप अकाउंट सुविधा शुरू की घोषणा की है। ठीक है, इन्होंने एक सुविधा की घोषणा की है, तो हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं एफपीबी के बारे में। तो जो पार्टनरशिप जो है ना, हेल्प करेगी एफपीबी, किस लिए हेल्प करेगी? टू इशू द डिपॉजिट लिमिट्स दैट ऑल द पेमेंट्स बैंक फेस एट द मोमेंट। और दोस्तों, एज पर द आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, पेमेंट बैंक कैन ओनली टेक डिपॉजिट अप टू 1 लाख पर अकाउंट। ठीक है, पेमेंट बैंक जो है सिर्फ 1 लाख पर अकाउंट डिपॉजिट ले सकती है, और जबकि पार्टनरशिप वुड अलाउ कस्टमर टू सीमलेसली ट्रांसफर द एक्सेस अमाउंट फ्रॉम देयर अकाउंट इन एफपीबी टू एसएफबी अकाउंट। ठीक है, जबकि पार्टनरशिप जो है क्या अलाउ करता है कि आप लोग आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, अपना एफपीबी से एसएफबी अकाउंट में। तो हम अब लोग तो अब थोड़ा हम जानते हैं सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जिसकी स्थापना 2017 में की गई, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और एमडी एंड सीईओ आप लोग देख सकते हैं आर भास्कर बाबू इसके एमडी एंड सीईओ है, चेयरपर्सन इसके शीला बिदे है। ये तो था आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, और ये आपका फाइनो पेमेंट्स बैंक के लिए, इसकी स्थापना 2017 में इसकी भी हुई। ठीक है, बस यहाँ पर डेट दिया गया है। हेडक्वार्टर दोस्तों इसका भी सेम मुंबई में ही है। एमडी एंड सीईओ आपको बहुत याद रखना है, ठीक है। तो ये ऋषि गुप्ता के एमडी एंड सीईओ एंड चेयरपर्सन कौन है? महेंद्र कुमार चौहान। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पेमेंट बैंक के बारे में। ठीक है, पेमेंट बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पेमेंट्स बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, पेमेंट बैंक जो है ना सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कल हमने एसएफबी के बारे में बताया था। ठीक है, वो डिमांड डिपॉजिट और लोन दोनों देता है और एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बट ये पेमेंट बैंक जो सिर्फ और सिर्फ डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। और ये जो है देखो अगला पॉइंट, इट कैन नॉट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट। ये टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है। पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 1 लाख पर कस्टमर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ वो 1 लाख पर कस्टमर ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। और पेमेंट बैंक देखिए लोन नहीं देता है, जबकि एसएफबी जो क्या करता है, लोन भी देता है। ये कल ही मैंने बताया। और ये देखिए क्या बात है, इट प्रोवाइड डेबिट कार्ड, देखिए एटीएम कार्ड प्रोवाइड करता है पेमेंट बैंक। और मिनिमम आपको कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी है इस बैंक को अगर आपको खोलना है, तो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट 100 करोड़ होनी चाहिए। और देखिए 25% ऑफ पेमेंट बैंक ब्रांचेस मस्ट बी इन अनबैंक रूरल एरिया। ठीक है, जैसे कि मैंने कल आपको एसएफबी में बताया था, ठीक है, एसएफबी में बताया था, उसमें भी यही सेम कंडीशन है कि आपको 25% जो है ना बैंक पेमेंट बैंक के ब्रांचेस कहाँ होने चाहिए? रूरल एरिया में होने चाहिए। अगला जो है फॉरेन शेयर होल्डिंग परमिटेड है। ठीक है, एज पर द एफडीआई रूल इन प्राइवेट बैंक। ठीक है, एफडीआई के अनुसार ही फॉरेन शेयर होल्डिंग की परमिटेड है। ठीक है, और इसके आखिरी पॉइंट देखते हैं, जो इसकी कमेटी कौन सी कमेटी है इसकी? नाचिकेट मोर कमेटी, ये इसकी पेमेंट बैंक की कमेटी के अंडर आता है। अगला न्यूज हम देखते हैं दोस्तों, अ रिनोन्ड नॉवेलिस्ट ऑफ इराक अलान मेसजूब हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 51। ठीक है, इराक के प्रसिद्ध उपन्यासकार अला मेसजूब का हाल ही में निधन हो गया, वे 51 वर्ष के थे। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि इराक के किस प्रसिद्ध उपासनाकार का 51 वर्ष के में निधन हो गया। ठीक है, हालांकि गोली मार के निधन की गई है, तो ये पूछ सकते हैं, तो क्या है इसका आंसर? अला मेसजूब। ठीक है, इसका होगा आंसर, और आपका इराक की एक बार कैपिटल
याद करिए दोस्तों, बगदाद इसकी कैपिटल होगी। अगला न्यूज़ हम देखते हैं दोस्तों, वेटरन मराठी एक्टर रमेश भाटकर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 70। दिग्गज मराठी अभिनेता रमेश भाटकर का हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये है रमेश भाटकर जी, 70 वर्ष के थे, तो इनका हाल ही में निधन हो चुका है। अगला न्यूज़ हम देखते हैं दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ ₹25 लाख ऑन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर टू स्टॉप डिस्चार्ज ऑफ डर्टी वाटर इन टू अपर गंगा कैनल। कहने का मतलब है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार पर ऊपरी गंगा नहर में गंदे पानी के प्रभाव को रोकने में विफलता के लिए ₹25 लाख के लिए जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 25 लाख की पेनल्टी लगाई है, ठीक है, टू स्टॉप द डिस्चार्ज ऑफ डर्टी वाटर इन टू अपर गंगा, तो किस स्टेट के ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है? तो बिल्कुल दोस्तों, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। अगला न्यूज़ हम देखते हैं थोड़ा एनजीटी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है इससे, कि एनजीटी की फुल फॉर्म देख लिया अब, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना को भी 18/10/2010, ठीक है, 2010 में इसकी स्थापना हुई। चेयरपर्सन भी पूछा जाता है, आदर्श कुमार गोयल जो है इसके चेयरपर्सन है, और हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर सुषमा स्वराज एंड नितिन गडकरी हैज़ इनॉग्रेटेड 30th नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2019। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी ने 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछ सकते हैं आपको, यूनियन मिनिस्टर कौन है अपने, तो सुषमा स्वराज एंड नितिन गडकरी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये पूछा जाएगा कि आपका कौन सा एडिशन जो है, जो इनॉग्रेट किया गया, ठीक है, नेशनल रोड सेफ्टी के लिए कौन सा एडिशन, तो 30th एडिशन इसका आंसर होना चाहिए। तो हम लोग थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर जो है सुषमा स्वराज एंड नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया, अभी बताया मैंने, 30th नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2019, और किसी एक न्यू दिल्ली में किसी इवेंट में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है, सुषमा स्वराज एंड मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे शिपिंग एंड वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन नितिन गडकरी फ्लैग्ड ऑफ अ मोटर कार रैली टू कमेमोरेट द 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी उनकी याद में जो है ना, इन्होंने नितिन गडकरी, देख सकते हैं नितिन गडकरी कौन है, जो मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट के भी, हाईवेज के भी, शिपिंग एंड वाटर रिसोर्स के भी, और रिवर डेवलपमेंट ऑफ गंगा रेजुवेशन। तो महात्मा गांधी की याद में उन्होंने क्या किया, एक मोटर कार रैली को इनॉग्रेट किया है। ओके फ्रेंड्स, इट विल कंक्लूड एट यंगोन इन म्यांमार एट द 24 ऑफ दिस मंथ। ठीक है, इस महीने की 24 तारीख को जो है ना, म्यांमार के यंगोन में ये किया जाएगा कंक्लूड। अगला न्यूज़ हम देखते हैं दोस्तों, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन हैज इशूड एडवाइजरी रिक्वेस्ट बैंक टू वेव ऑफ प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन इंस्पेक्शन एंड ऑल अदर सर्विस चार्जेस फॉर किसान क्रेडिट कार्ड एंड क्रॉप लोन अप टू 3 लाख रुपीज। कहने का मतलब है दोस्तों, भारतीय बैंकिंग एसोसिएशन ने ना बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड के प्रसंस्करण, प्रलेखन और निरीक्षण एवं अन्य सभी सेवा शुल्क और 3 लाख रुपये तक की फसली ऋण को माफ करने के लिए सलाह का अनुरोध किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बाकी एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और फॉर्मेशन डेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैंकिंग के लिए आपको पूरा जानना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, पूरा आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई मैंने बताया पहले भी, और इसको कौन मैनेज करता है इंडियन बैंक एसोसिएशन को, बाय मैनेजिंग कमेटी के थ्रू। ठीक है, और जो करंट मैनेजिंग कमेटी जो है इसकी, कौन कौन है इसमें, एक चेयरमैन है दोस्तों, 3 डिप्टी चेयरमैन है, एक हॉनरेरी सेक्रेटरी एंड 26 मेंबर्स है टोटल इसके। पर इंडियन बैंक एसोसिएशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हमेशा बार बार एग्जाम में, कि चेयरमैन कौन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक, सुनील मेहता होगा, MD & CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक के भी है MD & CEO, लेकिन इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन भी है। और इसमें 3 डिप्टी चेयरमैन में दोस्तों दीनबंधु मोहपात्रा, रजनीश कुमार और श्याम श्रीनिवासन आते हैं, और एक ऑनरी सेक्रेटरी माधव नायर भी इसके अंडर आते हैं। अगले न्यूज़ हम देखते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद
इनॉग्रेटेड द एनुअल उदयनोत्सव ऑफ द मुगल गार्डन एट द राष्ट्रपति भवन। ठीक है, कहने का मतलब है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन के वार्षिक उदयनोत्सव का उद्घाटन किया। ओके फ्रेंड्स, अगला न्यूज है स्मृति मंधाना हैज बिकम दी नंबर वन इन लेटेस्ट आईसीसी वुमेन वनडे रैंकिंग। तो स्मृति मंधाना आईसीसी के नवीनतम महिला वनडे रैंकिंग में नंबर वन बन गई है। ठीक है, तो पेपर में आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि इनकी रैंकिंग क्या है। ठीक है, इनकी रैंकिंग क्या है ये नहीं पूछा जाएगा, फीफा वगैरह का पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इनका रैंकिंग पूछा नहीं जाएगा। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ स्मृति मंधाना। तो ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि किस क्रिकेट टीम से बिलोंग करती है। तो बेशक ये इंडियन क्रिकेट टीम से बिलोंग करती है। और हम थोड़ा आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में, 15 जून 1909 में, हेडक्वार्टर इसका यूएई है, ठीक है, दुबई। एंड चेयरमैन कौन है इसके, शशांक मनोहर इसके चेयरमैन है आईसीसी के। अगला न्यूज़ हम देखते हैं दोस्तों, अंजलि सारागो हैज़ वॉन दी IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता मैराथन। ठीक है, अंजलि सारोगी ने IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता मैराथन जीता। ये देख सकते हैं आप लोग, ये अंजलि सारोगी है। ठीक है, इन्होंने तो जीता इन्होंने IDBI फेडरल लाइफ। अगर हम मेंस की बात करें, मेंस फुल मैराथन किसने जीता, तो ये देख सकते हैं आप, ट्रेंडिंग वहलंग। थोड़ा नाम अजीब सा है लेकिन आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ट्रेंडिंग वहलंग। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर जो है इस इवेंट के कौन है इसके, इंडियन क्रिकेट आइकन सचिन तेंदुलकर जी है, जिन्होंने जो है इसकी फ्लैग ऑफ द रेस फ्रॉम सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता। ठीक है, कोलकाता से जिन्होंने इसकी शुरुआत करी झंडा फहराकर। अगला न्यूज़ है दोस्तों, कपिल देव विल फ्लैग ऑफ द त्रिधातु नवी मुंबई हाफ मैराथन ऑन February 27। हालांकि ये न्यूज़ 17 फरवरी के लिए, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कपिल देव जी ने 17 फरवरी को नवी मुंबई के वाशी से त्रिधातु मुंबई हाफ मैराथन की हरी झंडी दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। UAE has announced the construction of the Church of Saint Francis, ठीक है, and the Mosque of Grand Imam Ahmad Al Tayyib in Abu Dhabi in the honor of two religious leaders. UAE ने ना दो धर्म गुरुओं के सम्मान में अबू धाबी में चर्च ऑफ फ्रांसिस और ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब की मस्जिद के निर्माण की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, पोप फ्रांसिस लैंडेड इन अबू धाबी इन द UAE ऑन हिस्टोरिक विजिट। ठीक है, ये हिस्टोरिक विजिट पे आए थे और क्या बन गए, बिकम द फर्स्ट पॉन्टिफ, ठीक है, टू विजिट अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में आने वाले पहले ये पॉन्टिफ बन चुके हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, बिल्कुल, ईरान विल पार्डन 50,000 कॉन्विक्ट्स ऑन द ओकेजन ऑफ 40th एनिवर्सरी ऑफ ईरान्स 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन। तो ईरान 1969 की इस्लामिक क्रांति की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50,000 दोषियों को क्षमा करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो 50,000 दोषियों को क्षमा करेगा। ठीक है, तो ईरान इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे हम लोग रोज़ एक स्टेट की बात करते हैं, तो आज हम बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। तो 1971 फाउंडेड डेट इसका स्टेटहुड। कैपिटल देखिए दोस्तों, शिमला है गर्मी समर में, और धर्मशाला दोस्तों इसका सेकंड कैपिटल है विंटर का। चीफ मिनिस्टर इसके जयराम ठाकुर है हिमाचल प्रदेश के, और गवर्नर आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर है। डिस्ट्रिक्ट में देखिए दोस्तों, 12 डिस्ट्रिक्ट है, लोकसभा 4 सीट है, राज्यसभा 3 है। ठीक है, तो 12 4 और 3 ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, डिस्ट्रिक्ट लोकसभा एंड राज्यसभा। और ऑफिशियल लैंग्वेज बिल्कुल हिंदी है। लेजिस्लेचर देखिए दोस्तों, यूनिकैमरल, मतलब कि यूनिकैमरल मतलब होता है विधान परिषद में इनकी 68 सीट है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। और स्टेट्स के देख सकते हैं, बॉर्डर जो है इनके, बॉर्डर बिल्कुल आप देख सकते हैं कौन कौन से बॉर्डर इनके, J&K जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, UP, ये सब इसके बॉर्डर है दोस्तों, आप लोग इस मैप में बिल्कुल देख सकते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क की बात करते हैं। ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंद्र किला,
किरगिंगाइन सिमरवाला, ठीक है, ये आपके नेशनल पार्क है। ग्रीन हिमालय, पिन, इंद्र किला, किरंगाइन सिमबलवाला। और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे सकते हैं आप लोग, किब्बर, गोविंद सागर, धौलाधर, धौलाधर इंपॉर्टेंट है, चेल वाइल्ड लाइफ एंड कुक्ती वाइल्ड लाइफ, ये इसके कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। हम कुछ ज़्यादा एम सी क्यूज की बात करते हैं, स्टैटिक एम सी क्यूज की। बेलारूस की कैपिटल क्या है, क्या है इसकी कैपिटल दोस्तों? बिल्कुल, इसकी कैपिटल दोस्तों मिंस्क इसकी कैपिटल है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग कुछ कंट्री और कैपिटल, जैसे बहरेन की कैपिटल मनामा है, ठीक है, बारबाडोस की ब्रिजटाउन, बेलारूस की मिंस्क, ठीक है, एंड बोट्सवाना की गैबरोन, और बुल्गेरिया की सोफिया की कैपिटल है। बाकी ये लोग देखते हैं आप लोग करेंसीज की एरी। अगले एम सी क्यू पर बढ़ते हैं, इन विच ईयर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन वॉज इस्टेब्लिश, मतलब सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई दोस्तों? 1985 को इसकी स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सार्क के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1985 की हुई, हेडक्वार्टर्स का काठमांडू, कल भी हमने डिस्कस किया था। सेक्रेटरी जनरल इसके अमजद हुसैन बी सियाल है, और ये 13वें सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान से। मेंबर इसके 8 मेंबर है, देख सकते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका इसके मेंबर्स है। अगला एम सी क्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मेघालय, मेघालय में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो कौन सा दोस्तों? नोक्रेक जो है मेघालय में स्थित है। आज देख सकते हैं दोस्तों हम लोग झारखंड, अब कुछ नेशनल पार्क की बात। झारखंड में बेटला है, टाइगर रिजर्व पलामू है, केरला में हमने अनायमुड़ी, एराविकुलम, ठीक है, मत्तिगिडन, पम्बाडुम, पेरियर, साइलेंट वैली, ये सब है। कर्नाटक में बांदीपुर, बिन्नरघट्टा, ठीक है, उदयमुर्ग और नागरहोली है कर्नाटक में। महाराष्ट्र में चंदोली, गुगामल, नेवेगावन, टडोबा, और मेघालय में नोक्रेक अभी पड़ा हमने पालपाक्रम, ये मेघालय में। अगला एम सी क्यू, विच ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन असम, असम में कौन सा वन्यजीवी अभयारण्य असम में स्थित है? तो कौन सा? तो दोस्तों पोबिटोरा असम में स्थित है, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ असम में हमने बात की, पोबिटोरा स्थित है। बाकी लोग देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा बिहार थोड़ा सा बहुत इसमें है, बाकी सब ईजी है। पामेडा, ठीक है, भरनापारा, गोमाडा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, कामलांग, केन, ठीक है, पकाओ, महु, और एपी में देख सकते हैं आपको नेल्ला पट्टू बर्ड सेंचुरी, ठीक है, और कोलेरू बर्ड सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, कोरिंगा, कृष्णा, ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग बिल्कुल याद कर सकते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल साइंस डे, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? सबको दोस्तों ये मालूम होगा, 28 फरवरी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आपको हमारा सेशन पसंद आया तो बिल्कुल हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच।